6.6 की बात कर रहे हैं जैसा कि आप जानती हैं, और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 तक जा चुके हैं। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक हो चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाले हैं। क्या है? टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स है, इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पी पर। प्रूफ करना हमें पहले ट्रायंगल एपीसी और ट्रायंगल डीपीपी। ठीक है, तो ले लो सीधा ट्रायंगल एपीसी को ले लो और ट्रायंगल डीपीबी को ले लो। ठीक है, इन दोनों को ले लिया। एंगल एपीसी बराबर होगा एंगल डीपीबी के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो रे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल सीएपी ये बराबर हो जाएगा एंगल बीडीपी के, सॉरी बीडीपी के। ठीक, सीएपी ये देखो, सीएपी ये वाला और ये वाला। क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल होता है ना ये, अगर सेम सेगमेंट में हो सर्कल के तो ये भी बराबर होते हैं, तो ये वाला बराबर होगा। इसीलिए बस ट्रायंगल एपीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डीपीबी के एंगल एंगल क्राइटेरियन से। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट प्रूफ। सेकंड पॉइंट में क्योंकि ये सिमिलर है तो सीधा हो जाएगा एपी बाय डीपी और इक्वल टू होगा सीपी बाय पीबी ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एपी डॉट पीबी इक्वल टू सीपी डॉट डीपी। यही प्रूफ करना था, हो गया हेल्प। तो ये बहुत ही आसानी से हमने दोनों को पार्ट इसके प्रूफ कर लिया।